सीरियस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ में आज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के आह्वान पर आज बैंक अधिकारियों की देशव्यापी बैंक हड़ताल पर सभी सरकारी बैंक पूर्णतया बंद रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के सैकड़ों बैंक अधिकारियों ने इलाहाबाद बैंक हजरतगंज में सामूहिक विशाल धरना प्रदर्शन किया। बैंक अधिकारियों की विभिन्न मांगों के लिए आज 21 सितंबर को हड़ताल की प्रमुख मांग ये है कि हमारा वेतन समझौता जो कि नवंबर 17 से शुरू हुआ, अभी तक के जितने भी वेतन समझौते हुए जो क्लास वन के अधिकारी से महाप्रबंधक तक के वेतन समझौते हुए, लेकिन भारत सरकार अब की बार स्किल वन से स्किल थ्री तक के वेतन समझौता करना चाहती है, स्किल फोर एंड अबव अलग करना चाहती है। इसके तमाम सारे मोटिव हैं, इसके परफॉर्मेंस पे इंटर बैंक ट्रांसफर सीधे अधिकारियों को नियुक्त करना, अभी आपने RBI में देखा जिसे IAS को लिया है, इतिहास एकता को हस्ताक्षर चलवा रहे हैं, उसी तरीके से बाकी बैंकों में भी अपने आदमी को जोड़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे रिटायरी साथी उनकी तमाम मांग है, जिनका पेंशन का रिविजन कभी होता ही नहीं है, फैमिली पेंशन के नाम पर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा नए साथियों को NPS दिया गया है, ओल्ड पेंशन नहीं दी गई। NPS के माध्यम से उनका पैसा इन्वेस्ट होता है केंद्रीय संस्थानों में, उसमें भी IL/FS की स्थिति आपने देखी किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का और नेताओं के नेक्सस में सत्यानाश करके रखा, वो भी बिल्कुल खोखला कर दिया। तो इन पर भरोसा नहीं है सर हम लोग, नए साथियों की भी ओल्ड पेंशन क्या मांगे हैं, यही है कि हमारा वेतन समझौता जल्दी से जल्दी किया जाए, हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। और हर बैंक में जो सुरक्षा के नाम पे पुलिस या गार्ड रखा जाता था वो भी नहीं है, समय हर बैंक में अपराध खुलेआम हो रहा है, अपराध कहीं नियंत्रण में नहीं है, उनको सुरक्षा दी जाए। हमारा शासन प्रशासन के अधिकारियों से आज IBA के माध्यम से केंद्र सरकार से लगातार बातचीत हो रही है, कल भी बातचीत थी लेकिन हमें कोई कंक्रीट उत्तर नहीं मिला, जिसके कारण ये अधिकारी ABPS News सच का साथी।